गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सारे भाइयों का मोस्ट वेलकम आपके अपने चैनल में। अब बस इसके तीन पार्ट और रह गए, 17, 18, 19, 20, मतलब 4 दिन, आज, कल, परसों, नरसों, 4 दिन की बात और है, फिर ये सीरीज खत्म होगी। तो हरूफों की सीरीज लेकर आता हूँ फिर, बढ़िया बढ़िया ट्रैक्स। और बात करें कल की भी हमारी एक वर्किंग जो हुई थी, इसके अंदर पोस्टिंग थी। देखिए, पोस्टिंग जरूर देखिएगा, ये मेरे ख्याल से इतनी जोड़ियों में थी पोस्टिंग, टोटल इतनी पोस्ट थी 22 में। और मैंने आपको HRF भी बता दिया था, ये है, अगर कुछ हो तो आपके पास तो आप उसी के साथ। देखिए, HRF से ये मैंने आपको दिया था, ये भी वर्क करके गया HRF, लेकिन HRF की मेरे को वर्किंग से मतलब नहीं, मेरे को ये वर्क करके गई है वो है मेन बात। HRF सिर्फ इसलिए होता है, मान लीजिए अगर आपके पास 0.5 या 4.9 कुछ भी हो, आप मेरे HRF के साथ जरूर जोड़ें, यूज़ करें, तो उससे आपकी कम में भी वर्किंग मिल जाएगी, ठीक है। और काफ़ी अच्छा चल रहा है, फिर से पिछले 3-4 दिन से डेली की फिर वर्किंग शुरू है। और अब आपको पता है रूल हमारा सिंपल है, OPS का 1 पास स्टॉप। पहले यहाँ पर पोस्टिंग करता हूँ मैं लोकेशन ए और बी की। ए और बी में मेरे पास था 3-8 का HRF, मेरे पास 3 और 8 का HRF था, इसमें भी 3-8 की निकली थी, ये भी 3-8 था, तो एक से रह गए थे यहाँ 36 थी, 37 बी में हो गया, तो मुझे आगे चेंज कराना पड़ा। और मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी आगे की कोई भी सी और डी की पोस्टिंग में कुछ भी चेंज होगा या सेम यूज़ होगा, कुछ भी करना होगा, तो वो आपको मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है कि वो इसी के अंदर हो सकता है। रात को 9 बजे के आसपास वैल्यू ओपन होती है बी, उसके बाद फिर वीडियो बनाने में बैठना बहुत टफ है, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर कल की पोस्टिंग आई थी और कल की भी एक वर्किंग हमारी हो गई। और मैं तो सो ही चुका था, मैंने तो सुबह देखा, जब मैं डी की वैल्यू देखने के लिए उठा तो मैंने कहा चल HRF ने भी वर्क किया, अगर किसी ने HRF से कुछ कर लिया हो तो अच्छी बात, नहीं भी किया तो हमारी तो वर्किंग हो ही गई सीधी, तो हमें HRF से क्या मतलब है। और हमेशा ध्यान रखिए, इसके अंदर खास करके अगर आप अच्छे गेसर हैं, आपको HRF की रिक्वायरमेंट होती हो कि आपके पास सॉलिड HRF है लेकिन उसके साथ जोड़ू क्या वो नहीं समझ आ रहा, तो आप मेरे HRF जरूर वो कीजिए। और मान लीजिए मैंने इसमें कुछ पोस्टिंग नहीं की है, तो जो मैं लोकेशन के HRF डेली देता हूँ, एक ना एक वर्क करते, कल सी और डी वर्क करके गई, आज इसकी न्यू ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। लेकिन रूल हमारा यही रहेगा OPS का। और अब से हमारा यही वो रहेगा मेन फोकस कि 1 पास स्टॉप बस, ठीक है। कल की भी एक वर्किंग आई गई इसके अंदर, तो जो भाई इसमें नियर रहे, और खास करके जब भी मैं HRF वगैरह दूं, और अगर आपके पास कोई सॉलिड HRF हो तो जरूर जुड़िएगा, ये काम जरूर कीजिएगा, ठीक है, हमेशा आपको वर्किंग मिलेगी। तो चलिए, हम अपने पार्ट 17 में पहुंच चुके हैं, अब बस 3-4 पार्ट और हैं, 20 तक है टोटल बस, ठीक है। 80 तक हो चुके हैं, 80 के बाद आता है 81, 82। इसको ख़त्म करने के चक्कर में मैं कुछ और अभी ना अपलोड भी नहीं कर रहा इस चैनल पे, हालांकि बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें नीचे दब गई होंगी, आप लोग देखिए, सारा चैनल लाइफ टाइम ट्रिक का चैनल है, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सिर्फ लाइफ टाइम चीज़ें हैं जो आपको हमेशा वर्क करेंगी। दाने की चाल की सीरीज़ है इतनी ज़बरदस्त, इसमें हरूफ के पैटर्न से हरूफ की चाल है, जो भाई क्रॉसिंग वगैरह पसंद करते हैं उनके लिए डेट फिक्स क्रॉस सारा दे रखा है, सारी डेटों का डला हुआ है, वो आप देखिए, और आपको सारी चीज़ें हमेशा वर्किंग करती नजर आएंगे। और ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है, इसके बाद इससे कैसे वर्किंग में लाते हैं वो बताऊंगा। ये पार्ट 17 है, पार्ट 1 से 16 तक अपलोड है, वो सारे पार्ट्स आप लिख लो, ताकि जब उसके हिसाब से मैं वर्किंग आपको दिखानी शुरू करूं। कल ये भी उसी से ही वर्क करके गई है ये, और ये जो ए में बी में 3-7 है वो भी सॉरी ठीक है, इसी से ही मैंने ये दो फैमिलियां कल बची थी, एक है का HRF निकला, दो फैमिली निकली 13 की 15 की, किससे निकाली थी मैंने, इसी से ही। जब 100 तक की आपके पास काउंटिंग पूरी हो जाएगी, फिर आप बैठ के चेक करोगे ना, आपको अपने आप सारी वर्किंग नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो 81 के बाद है 26, 46, 82 के बाद है 2, 38, 83 के बाद है
70 84 के बाद है मुंडा 4 49 85 के बाद है 75 51। अब मैं आपको समझाता हूँ फिर से इसमें भी कि यूज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हाउ टू यूज, यूज कैसे करते हैं। बेस्ट मेथड इन चीजों को यूज करने का बेस्ट होता है एचआरएफ मेथड। एचआरएफ मेथड का मतलब आपकी चार लोकेशंस हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने डिवाइड कर रखा है, ए बी को अलग कर रखा है, सी डी को अलग कर रखा है, उन दोनों के हिसाब से मेरी वर्किंग आती है, ठीक है। अब ए बी में सपोज कर लो आप, आपके पास एच आर एफ है 4 9, सी डी में है 3 8, ठीक है। सबसे पहले तो आप इन सबको लिख, मान लो आपकी एक दिन पुराना ए बी सी डी में आपकी वैल्यू है 26 46 81 82 83 84, ठीक है। आप 26 मुंडा 2 38 27 70 मुंडा 4 49 इनके आमने सामने वाले वो लिख लो, ठीक है। ये चार ओपन हुआ एक दिन पुराना, उसके सामने सामने उस चारों लिख लो, ये आपकी 8 निकल आए। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे गिनती लिख रहा हूँ, ऐसा कभी आपको दिखेगा नहीं ओपन होता हुआ, जाहिर सी बात है अलग अलग ही निकलेगा। जैसे कल ही देख लो 9737 0114, सब अलग अलग सीरीज के ओपन हुए तो उसमें अलग अलग ही निकलेगा, जिसमें आपके कई सारे कॉमन आएंगे, कॉमन मतलब सेम सेम। जैसे इसमें ये मुंडा 270 सेम है तो 1 ये काट दो, और ये देख लो 81 82 83 84 जो एक दिन पुराना उससे सेम जो उसको भी काट दो, ठीक है। अब आपका सबसे पहले 4 9, यहाँ से 4 9 का क्या क्या बच गया वो निकाल लो, 4 6 0 4 4 9 8 8 16, ये आपकी 20 की तैयार हो गई, सीधा इसको यूज कर लो, ठीक है। अगर ये वर्क कर गई तो आपका रूल सिंपल होना चाहिए ओपीएस का, कि एक जगह वर्क हो गई तो छोड़ दिया। अगर ये वर्क नहीं करती, जब सीडी की बारी आएगी तो सीडी में आपने लिखा हुआ है 3 8, तो यहाँ देखो 3 8 का क्या है, एक भी नहीं है, तो आप ऐसे में वैसे होगा नहीं, होगा कभी हमेशा, जैसे मैंने एक कार्ड दिया है तो इसको आप इसी को ही यूज कर लो, इसको रख के चल लो ऐसे, कि जो एच आर एफ यहाँ आपका इधर से जो एच आर एफ वाली वो है उनको उठा लो, आपकी मैक्सिमम जाएंगी इतनी बस, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 3 फैमिली से ऊपर कभी दिखेगी नहीं आपको, क्योंकि सारी उससे एक दूसरे से रिलेटेड होती है। कितनी सारी तो सेम सेम आ जाएगी कि आपके पास एंड में बचेगी कई बार 3 ही खाली, कभी 4 खाली, ठीक है। तो उसमें इतनी ज्यादा आपको वो भी कहा एचआरएफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब जो बच गई वही यूज कर दो सीधा, ठीक है। ये है सबसे अच्छा मेथड, सबसे बेस्ट मेथड जो मैं अपनाता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो, पार्ट 1 से 16 तक के सारे एक पेज में लिख लो, अभी 18 19 20 सिर्फ 3 पार्ट रह गए हैं, 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको पता ही, हर एक चीज का अपडेट, कोई भी चीज वो करनी हो, पोस्ट करनी हो या चेंज करनी हो, कुछ गलत हो जाए ठीक करना हो, सब कुछ इसी के अंदर होता है। तो जो भाई इसमें नहीं है वो इसमें रहे, और एचआरएफ की हेल्प आपको तो होती रहेगी रेगुलर, और कुछ भी पोस्टिंग चेंज होगी वो भी, बाकी फिर आप आराम से लोकेशन की ट्रिक्स देखिए। तो चलिए बाय।